रानी जी। अच्छा आ रहे हो, जीजा जी भी आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे चलो जल्दी जल्दी, रिश्तेदार आ रहे हैं, बाहर के कपड़े पहन लो। चलो चलो चलो। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा। वो जीजी जीजा जी कहाँ रह गए? अरे एक्चुअली ना उनको थोड़ा काम पड़ गया, तो वैष्णो देवी का प्रसाद मुझे देने भेज दिया आपको। अच्छा अरे नहीं आ रहे वो। तेरे घर वाले तो जो है ना है ही ऐसे, और वो साली नहीं आ रही। ये मेरी फैमिली अपने धुन में ही रहती है, जैसी है ये मेरी फैमिली है। अबे ओए रिमोट दे, मुझे टीवी देखना है। अरे जा ही रहो, एक घंटे बाद फिर देख लियो। मम्मी रिमोट दे दो, मेरे को टीवी देखना है। सारा दिन नौकरानी की तरह काम करते रहो ना, सब खुश है, और थोड़ा सा आराम क्या कर ले, उसी में दिक्कत हो जाती है सबको। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मम्मी मर जाएगी ना बेटा, उस दिन पता चलेगा सबको। अरे मम्मी देख लो आप टीवी, पर मैं कब देखूं फिर? एक घंटे बाद। मैं निंजा हटौड़ी आ गया हूँ। पापा मेरे को रिमोट दे दो, मेरे को टीवी देखना है। सारा दिन ऑफिस में काम करो, थोड़ी देर के लिए टीवी देखने लग जाओ तो रिमोट दे दो इनको। घर में काम कुछ करना नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं। पर पापा, पापा अब देखना बोलेगी, मैंने तो सुबह से टीवी देखा ही नहीं। हाँ पापा मैंने सुबह से टीवी देखा ही नहीं। देखा पापा, मैंने बोला ही था ना आपको। निकल यहाँ से, दिखाओ अभी टीवी। पापा वो नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे आ रहा है ना, तो लैपटॉप लेना है मुझे, वो पढ़ाई में बहुत हेल्प हो जाती है। पापा आप सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सुन लिया, मिल जाएगा। पापा इतनी जल्दी कैसे मान गए आप? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? ज्यादा मत उड़, वरना कैंसिल करने में देर नहीं लगेगी। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन आप मान कैसे गए, क्या राज है? अरे बेटा मैं बहुत लंबे समय से सेविंग कर रहा था, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा था तुम बच्चों की पढ़ाई के लिए। म्यूचुअल फंड, क्या बात है पापा, आप भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन आप इन्वेस्ट कैसे करते हो? बेटा सबके लिए मैं अपस्टॉक्स ऐप यूज करता हूँ। पापा लेकिन अपस्टॉक्स ही क्यों? अपस्टॉक्स पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत इजी है, और ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है, और इसमें रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। और तो और यहाँ पर 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस होते हैं, और तुम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कोई कमीशन भी नहीं देना पड़ता। पापा एक नंबर की इन्फॉर्मेशन दिया आपने, लेकिन पापा अगर मुझे भी शुरू करना हो तो क्या करना होगा? क्या तुझे भी शुरू करना है अभी से? सबसे पहले तू फ्री में अकाउंट ओपन कर ले, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से, और अभी उनका ऑफर चल रहा है,
जिसमें तुझे 299 रुपए में लगभग 4000 रुपए के बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब एक साल का फ्री मनी कंट्रोल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, फ्री स्टॉक एज की प्रीमियम मेंबरशिप और साथ ही साथ फ्री ई लर्न मार्केट्स का बिगिनर कोर्स। इन सबसे तू इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सकता है, तो सारे बहुत हेल्पफुल होंगे। हाँ पापा, ये तो बहुत सही है, मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। तू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट 500 रुपए से भी शुरू कर सकता है। अब तो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डाउनलोड कर ले। ओके पापा, अभी करता हूँ। पापा, वो 500,000 रुपए चाहिए थे, वो मेरे शूज फट गए हैं। 500,000 रुपए? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक काम कर, मोजी के पास ले जा, 10 रुपए में काम हो जाएगा। चल भाग ऐसे। पापा 10 रुपए दे दो, मेरा पैन खत्म हो गया, मेरे को पैन लेकर आना है। 10 रुपए? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक काम कर, 2 रुपए का रिफिल लिया, उस पैन में डाल ले। चल दफाओ। ओए माँ। सुनो जी, वो 5 रुपए दे रहे थे, मैं हरा धनिया लाना था। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। कल मैं सब्जी लाऊंगा, धनिया फ्री का ले आऊंगा। चले से। हाँ बहन जी। हेलो भैया, मुझे 1,00,000 रुपए की बहुत जरूरत है, आप दे दोगे प्लीज? बहुत अर्जेंट है, दे दो। 1,00,000? हाँ बहन, अपना अकाउंट चेक कर, मैंने सेंड कर दिया 1,00,000 रुपए। चिंता मत करियो, अभी जिंदा है जरा भाई। ओए, तुम दोनों मेरी बाइक लेकर गए थे, आपको कैसे पता? साइलेंसर गरम था। ओए, तुम मेरी बाइक लेकर गए थे, आपको कैसे पता चला? इंजन गरम था बाइक का। ओए, तुम फिर से मेरी बाइक ले गए, आपको कैसे पता चला? मैंने मीटर नोट किया था। भगवान प्लीज उसकी कॉल लाओ, मरा 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 मरा। भाई, अबे भाई, तू जगह कॉल कर रही है? पापा, वो बगल वाला विनोद है ना, तो उसका नंबर मांग रहा था, उसको भी काम करवाना होगा घर का शायद, इसलिए। नहीं नहीं पापा, ये भाई नहीं, ये बे है, बे का मतलब गर्लफ्रेंड होता है। नहीं नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है, आप इसकी बातों में बताओ। अच्छा अभी बताती हूँ। पापा उधर फोन उठाना और देखना कौन है फोन पर, उठाओ। हेलो हेलो बेबी, कहाँ हो? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे? हेलो। हाँ प्रिया। हाँ दीदी, तेरे मम्मी पापा को मैंने ना हॉस्पिटल में देखा, तो सोचा कि तेरे को बता दूँ। क्या? हाँ
चल मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ। अच्छा ठीक है यार, थैंक यू। अब तुम बैठो आराम करो, तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बना के लाता हूँ। नहीं आप रहने दो, मैं बना लूंगी। मैंने बोला ना तुम आराम करो, मैं बना के लाता हूँ। पापा मम्मी अब दोनों कहाँ पर थे? वो बेटा तुम्हें बताया था तुम्हारी मौसी के घर जा रहे हैं। वाह पापा, हमसे बोलते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और खुद ही झूठ बोल रहे हो। आप दोनों हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? वो बेटा डॉक्टर्स को लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी को कैंसर है। बस लग रहा है, अभी कंफर्म नहीं है। आज डॉक्टरों ने टेस्ट किया है, कल रिपोर्ट आ जाएगी। कुछ नहीं होना, सब ठीक है, कुछ नहीं है। घबराओ मत बच्चों, सब ठीक होगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.